नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिटनेस फंडास की आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको कुछ अलग बात बताने वाला हूँ। कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने भीगे हुए चने खाने के फायदे इस बारे में चर्चा की थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद मुझे काफ़ी सारे लोगों की कमेंट्स आई है कि सर हमें चने खाने के बाद कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्या हम इसे खाने के बाद दूध या चाय पी सकते हैं या फिर इसका पानी पी सकते हैं, क्या चने खाने से गैस की समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे कई सारे सवाल मुझे आप में से कई सारे भाइयों ने पूछे हैं, तो चलिए आज मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे देता हूँ। दोस्तों देखिए, चने खाने के बाद तुरंत दूध या चाय का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिए। ऐसा करने से आपको पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों दूध, चाय और चने तीनों की तासीर अलग अलग होती है, जिसके चलते यदि आप इसे एक साथ खाएंगे तो आपका पाचन ठीक से काम नहीं करेगा, आपका शरीर गंभीर बीमारियों के चपेट में आ जाएगा। इसलिए आप भीगे हुए चने खाने के बाद कम से कम आधे से एक घंटे बाद चाय या दूध पीजिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दोस्तों जो दूसरी चीज़ है जिसे आपको चने के साथ नहीं खाना चाहिए वो है लहसुन। दोस्तों आप यदि चाहें तो पके या उबले हुए चने के साथ पका हुआ लहसुन मिलाकर खा सकते हैं, लेकिन कभी भी भीगा चना खाने के बाद कच्चे लहसुन का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको त्वचा से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही आपको पिंपल्स की समस्या भी हो सकती है, इसीलिए आप इसे अलग अलग ही खाएं। दोस्तों एक और चीज़ जो लोग मुझे सवाल करते हैं वो यह है कि चने खाने के बाद उन्हें गैस की समस्या होती है, तो दोस्तों इसका सिंपल उपाय यह है कि आप थोड़ा सा गुड़ चनों के साथ खाइए तो आपको गैस की समस्या कभी नहीं होगी। आप चने का पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपके पेट की समस्या से छुटकारा आपको मिल जाएगा। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको आज आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद।